कच्ची सड़क उतरने के बाद हम लोग मेहनत करते हैं और दिन भर 100 रुपए मेहनत करते हैं, 80 रुपए हम वहां जाकर लगते हैं, तो हमारे घर में बचता क्या है? 20 रुपए में हमको मिला क्या? कमाई और बचत का ये सवाल उठा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चौपाल में, जो जिले के दौरे पर हैं। मामला कोपेडी गांव का है, जहां अवैध शराब के कारोबार और इसकी लत अब युवाओं की शादी तक में बाधा बनने लगी है। गांव वाले इसे ना रोकने के लिए स्थानीय पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब जब पुलिस के हत्थे चढ़ते, लेकिन पुलिस वाला पैसा ले लेते, कार्रवाई कुछ भी नहीं। कार्रवाई के कारण ये है कि हमारा पैसा मिल जाते, पैसा मिले के बाद छोड़ देते, जो अपराधी पंजीकृत रहते थे। अवैध शराब के कारोबार की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी को गांव में जाने और लोगों से बात करने का निर्देश दिया। खुद मुख्यमंत्री ने इस पर रोक लगाने के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग करने की अपील की। अभी मैं कलेक्टर साहब ने बोल दें तो गांव में जाकर बैठक करें, आवेदन अभी ऐसे कि वो मन चाहते कि रोजगार दूसरा मिले, नया पीढ़ी चाहते वो शराब बनना बंद हो। गांव में अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए लोगों ने सीधे सीएम से गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों को इस समस्या से कितनी निजात मिल पाती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।